हेलो एवरीवन कैसे आप सब लोग आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स देखिए मैं इसके पांच पार्ट पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ ये सिक्स पार्ट होगा तो अभी मैं फ्रेजल वर्ब्स का रिवीजन कर लू तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ इको इक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ प्रेप एग्जाम करके ऐप है जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं और अगर आप मेरा कूपन कोड लगा तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और वन ईयर का पास आपको ओनली वन नाइन नाइन रुपीज में मिल जाएगा इसके अंदर आपको फुल टेस्ट सेक्शनल टेस्ट प्रीवियस ईयर टेस्ट सारे टेस्ट मिल जाएंगे और आपको पता ही एसएससी के लिए मॉक लगाना कितना जरूरी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ तो वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं थैंक यू सो so मच देखिए प्रेप सब्सक्रिप्शन है अगर आप वन ईयर का पास लेते हैं और कूपन कोड अप्लाई करते हैं चंचल सी एच ए ए सी एच ए एल तो आपको वन नाइन नाइन में पड़ जाएगा तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको सेक्शनल टेस्ट फुल टेस्ट प्रीवियस ईयर टेस्ट सारे टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे फर्स्ट फेजल वॉस कट अक्रॉस कट अक्रॉस का मतलब क्या होता है टू टेक अ शॉर्टकट या फिर टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे यानी कहीं पहुंचने के लिए छोटा रास्ता पकड़ना देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि कोई लंबा रास्ता है तो हम क्या करते हैं कट लेकर के शॉर्ट रास्ता पकड़ लेते हैं कट अक्रॉस शॉर्टकट लेना नेक्स्ट है फॉल इन विद फॉल इन विद का मतलब होता है टू अग्री विद यानी सहमत होना एक होता है फॉल फॉर फॉल फॉर का मतलब होता है प्यार में पड़ना और ये क्या है फॉल इन विद यानी सहमत होना नेक्स्ट है मेक डू विद मेक डू विद का मतलब होता है टू मैनेज या फिर काम चलाना

नेक्स्ट है कीप ऑन कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू या फिर जारी रखना कैरी ऑन कैरी ऑन का मतलब भी सेम होता है कंटिन्यू रखना या फिर जारी रखना नेक्स्ट है लाइट अपॉन लाइट अपॉन का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली यानी पता लगाना या फिर पाना अब देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे लाइट अपऑन यानी अपन लाइट जैसे ही ऑन करते हैं तो हमें किसी चीज का पता लगता है नेक्स्ट है आंसर फॉर आंसर फॉर यानी जवाबदेह होना टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर तो ये तो वर्ड से पता लग रहा है कि आपको किसी चीज की जवाबदेही देनी है नेक्स्ट है किक अगेंस्ट किक अगेंस्ट का मतलब होता है टू रिवॉल्ट या फिर टू फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी यानी विद्रोह करना सत्ता के खिलाफ देखिए इस फेजलो को हम कैसे याद रखेंगे किक अगेंस्ट मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो आप क्या करते हो हैं किक मार देते हैं यानी आप उसका विद्रोह कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं आपको वो चीज़ नहीं पसंद यानी किक अगेंस्ट यानी विद्रोह करना नेक्स्ट है गो ऑन गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग यानी जारी रखना देखिए इससे पहले हमने अभी पढ़ा था कैरी ऑन कीप ऑन इनका मतलब भी सेम था जारी रखना और गो ऑन का मतलब भी सेम है नेक्स्ट है टिक ऑफ टिक ऑफ का मतलब होता है इरिटेट समवन या फिर मेक समवन अपसेट यानी किसी को क्रोधित करना या फिर गुस्सा दिलाना अब देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे मान लीजिए आपके नोट से और आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक कर रखा था और आपने अपने फ्रेंड को दिए पढ़ने के लिए और उसने क्या किया वो सारे टिक मिटा दिए टिक ऑफ कर दिए तो आपको फिर गुस्सा आएगा आप इरीटेट हो जाएंगे कि आपने इतनी मेहनत से सारे टिक किए थे और उसने हटा दिए टिक ऑफ यानी गुस्सा होना नेक्स्ट है क्लोज इन क्लोज इन का मतलब होता है टू एनसर्कल क्लोजली यानी चारों तरफ से घेरना देखिए वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्लोज क्लोज यानी यानी बंद करना नहीं, नहीं, चारों तरफ से घेर लिया बंद कर दिया नेक्स्ट है पुट ऑन पुट ऑन का मतलब होता है स्टार्ट वेयरिंग कपड़े पहनना देखिए एक और फेज होती है पुट ऑफ पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना स्थगित कर देना थोड़ी देर के लिए कोई चीज हम टाल देते हैं तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं पुट ऑफ लेकिन वही अगर पुट ऑन हो तो उसका मतलब होता है कपड़े पहनना नेक्स्ट है टेल ऑफ टेल ऑफ का मतलब होता है डांटना या फिर फटकारना देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं ठीक है फोन पे बात कर रहे हो और सामने वाले को डांट रहे तो सामने वाला क्या करेगा फोन कट कर देगा टेल ऑफ नेक्स्ट है ब्लो डाउन देखिये ब्लो का मतलब क्या होता है बहना डाउन यानी नीचे की तरफ यानी झोंके से गिरा देना जब हवा एकदम तेज तेजी से बहती है तो क्या करती है वो नीचे गिरा देती है टू नॉक डाउन बाय गस्ट नेक्स्ट है बॉइल डाउन टू का मतलब होता है संक्षिप्त करना आप इसे कैसे याद रखेंगे आप कोई भी चीज को बॉइल करते हैं तो वो क्या हो जाती है सिकुड़ जाती है संक्षिप्त हो जाती है तो आप इसे भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि बॉइल डाउन टू यानी संक्षिप्त हो जाना नेक्स्ट है ऑन द मेक ऑन द मेक का मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग यानी बनने की प्रक्रिया देखिए मेक से समझ में आ रहा है मेक का मतलब भी होता है कोई चीज बनाना यानी बनने की प्रक्रिया होना ऑन द मेक यानी बनने की प्रक्रिया नेक्स्ट है टेकअप टेकअप का मतलब होता है टू बिगिन टू परस्यू यानी किसी काम को शुरू करना नेक्स्ट है गेन ऑन गेन ऑन का मतलब होता है टू कम क्लोज टू यानी प्रतियोगिता में नज़दीक होना देखिए गेन का मतलब होता है लाभ देखिए आप प्रतियोगिता में एकदम नजदीक है मतलब आपको लाभ प्राप्त होने वाला है गेन ऑन यानी आप एकदम नजदीक है नेक्स्ट है विगल आउट विगल आउट का मतलब होता है अवॉइड डूइंग किसी चीज को अवॉइड करना है इग्नोर करना है उसके लिए क्या यूज लेते हैं विगल आउट नेक्स्ट है क्लियर ऑफ अब देखिए क्लियर ऑफ और क्लियर अवे दो फेजल इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है क्लियर ऑफ का मतलब होता है भाग और क्लियर अवे का मतलब होता है टू रिमूव यानी मिटाना हमें क्या लगता है कि क्लियर अवे का मतलब होता है भाग जाना लेकिन नहीं क्लियर अवे का मतलब होता है मिटाना और क्लियर ऑफ का मतलब होता है भाग जाना इसे हम कैसे याद रख सकते हैं जैसे चोर चोरी करता है अब वो सारा सामान क्लियर करके भाग जाता है क्लियर ऑफ यानी भाग गया सारा सामान साफ करके क्लियर करके वहां से भाग गया नेक्स्ट है पुट टुगेदर पुट टुगेदर का मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट यानी बनाना देखिए अब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो सब लोग साथ में मिलकर बनाते हैं पुट टुगेदर टुगेदर यानी एक साथ इकट्ठा होकर के फिर बनाते हैं नेक्स्ट है कम डाउन कम डाउन का मतलब होता है टू बिकम लोअर और चीपर यानी नीचे आना या फिर सस्ता होना देखिए वर्ड से पता चल रहा है कम डाउन यानी नीचे की तरफ नेक्स्ट है ब्रिंग होम ब्रिंग होम का मतलब होता है एम्साइज यानी जोर डालना अब देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे ब्रिंग होम होम यानी घर देखिए हम लोगों का बाहर तो कहीं बस चलता नहीं हम लोग जोर किस पे करते हैं घर वालों पे कोई भी चीज़ की कमी होती है तो सीधा घर वालों पर आके जोर करते हैं इसका मतलब क्या होगा ब्रिंग होम यानी जोर डालना नेक्स्ट है पुट अक्रॉस पुट अक्रॉस का मतलब होता है टू एक्सप्रेस वंस आइडिया सक्सेसफुली यानी अपने विचार प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना पुट यानी रखना अक्रॉस यानी सामने अपने विचार सामने की तरफ रखना प्रभावशाली तरीके से नेक्स्ट है पुट टुगेदर ये तो अभी हमने पढ़ा था नेक्स्ट है हैंग बैग यानी झिझकना नेक्स्ट है सिट अराउंड सिट अराउंड का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी एक्टिविटी बेफिक्र बैठे रहना देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे पार्क में काफी लोग बैठे रहते हैं सिट अराउंड मतलब चारों तरफ ऐसे बैठे रहते हैं तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं बेफिक्र की तरह बैठे रहते हैं तो सिर्फ सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं अपना नेक्स्ट है कटअप कटअप का मतलब होता है डिस्ट्रेस यानी परेशान होना या फिर दुखी होना देखिए जो लोग दुखी होते हैं बहुत ज्यादा परेशान होते हैं वो सबसे कट हो जाता है यानी कटअप कट अप यानी दुखी होना परेशान होना जो सबसे कट हो गया वो वैसे ही दुखी हो जाएगा परेशान हो जाएगा नेक्स्ट है गो अलोंग गो अलोंग का मतलब होता है सहयोग देना किसी की हेल्प करना उसके लिए हम क्या यूज करते हैं गो अलोंग नेक्स्ट है मेक ऑफ मेक ऑफ का मतलब होता है अंडरस्टैंड या कंस्ट्रक्ट फ्रॉम समझना या फिर से बना होना ऑफ मेक का मतलब ही होता है कोई चीज बनाना तो इससे हम समझ सकते हैं मेक ऑफ यानी अंडरस्टैंड समझना या फिर कोई चीज बनाना नेक्स्ट है लीव ऑफ लीव ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप सीज या फिर बंद कर देना देखिए वर्ड से ही पता चला लीव ऑफ यानी बंद कर दिया नेक्स्ट है कम अप कम अप का मतलब होता है मोटेड और रेज्ड फॉर डिस्कशन मुद्दा उठाना नेक्स्ट है ड्रॉप इन ड्रॉप इन या फिर ड्रॉप बाय इसका मतलब होता है टू विजिट इनफॉर्मली यानी बिना पूर्व सूचना के आ जाना एक बार क्या तो हम रेडी हो जाते हैं और हम हम सोचते हैं कि बस से जाना है कोचिंग जाना है या फिर कॉलेज जाना है लेकिन उतने में हमारा भाई आ जाता है बिना इन्फॉर्म किए कि चल मैं आज तुझे तो ड्रॉप कर देता हूँ यानी ड्रॉप इन या ड्रॉप बाय बिना इंफॉर्मेशन के बिना पूर्व सूचना के पहुंच जाना नेक्स्ट है मेक मेक डू डू का मतलब होता है टू मैनेज विद लिमिटेड मींस यानी काम चलाना देखिए पहले भी हमने पढ़ा था मेक डू विद इसका मतलब यही था कि काम चलाना और मेक डू का मतलब यही होता है काम चलाना जो लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास उसी से आप अपना काम चला रहे तो उसके लिए यूज लेते हैं मेक डू नेक्स्ट है स्ट्राइक डाउन देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है स्ट्राइक डाउन जो स्ट्राइक के वो नीचे की तरफ आ गई है मतलब खत्म कर दी गई है टू नलीफाई निरस्त कर दी नेक्स्ट है कीप ऑफ़ कीप ऑफ का मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम या फिर कीप एट ए डिस्टेंस यानी दूर रखना देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है कीप ऑफ़ कीप यानी रखना ऑफ यानी बंद या फिर दूर तो कीप ऑफ यानी दूर रखना किसी से दूरी बनाए रखना उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कीप ऑफ और कीप ऑन हमने पढ़ा था उसका मतलब था कंटिन्यू रखना जारी रखना नेक्स्ट है हैंग अबाउट हैंग अबाउट का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना इसे हम कैसे याद रख सकते हैं जब भी हमारा फोन हैंग होता है तो हम बस उसी के बारे में सोचते हैं हैंग अबाउट यानी फोन हैंग हुआ बस दिन भर उसी के बारे में दिमाग में चिंता चलती है तो हम कुछ नहीं कर रहे होते सिर्फ उसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था हैंग बैक हैंग बैक का मतलब था हेजिटेट होना झिझकना शर्माना पीछे हटना और यहाँ पे क्या है हैंग अबाउट हैंग अबाउट का मतलब है टाइम वेस्ट करना नेक्स्ट है स्पीक फोर स्पीक फोर का मतलब होता है से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन और टू एक्सप्रेस ए फीलिंग या फिर टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव यानी किसी के हक में राय देना या फिर विचार प्रकट करना देखिए जब कोई इंसान सही होता है और अपने लिए स्टैंड ले रहा होता है तो उसके पक्ष में सभी लोग बोलते हैं सभी लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं स्पीक फॉर यानी किसी के हक में राय देना नेक्स्ट है कम टू कम टू का मतलब होता है रिटर्न टू कॉन्शियसनेस यानी होश में आना नेक्स्ट है क्लोज डाउन क्लोज डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप ऑपरेटिंग यानी बंद हो जाना देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है क्लोज डाउन किसी चीज का बंद हो जाना नेक्स्ट है कम राउंड कम राउंड का मतलब होता है रिकवर या टू एक्सेप्ट ओपिनियन यानी होश में आना या फिर दूसरों की बात मानकर विचार बदल लेना कम कम का मतलब होता है आना राउंड राउंड यानी यानी किसी की बातों में. Come round yarni, की बातों बातों में में कम दूसरों आ जाना नेक्स्ट है है बिकम बिकम ऑफ ऑफ का मतलब होता टू हैपन यानी घटित होना किसी व्यक्ति के साथ बिकम ऑफ यानी घटना घटित होना नेक्स्ट है रन इन टू रन इन टू का मतलब होता है टू मीट बाय चांस टू फेस यानी मुलाकात होना समस्या में होना या फिर अचानक मिलना पार्क पे रनिंग कर रहे थे और अचानक से आपकी किसी फ्रेंड से मुलाकात हो गई तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं रन इन टू यानी अचानक मिलना रन अक्रॉस का मतलब यही होता है अचानक मुलाकात होना नेक्स्ट है गेट अवे विद गेट अवे विद का मतलब होता है टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट बींग पनिश्ड देखिए पढ़ते से समझ में गेट अवे विद यानी भाग जाना मतलब आपने कुछ गलत काम किया और आप भाग गए यानी आपने गलती भी कर ली और उसकी पनिशमेंट भी नहीं मिली आपको नेक्स्ट है लुक बैक लुक बैक का मतलब होता है देखिए पढ़ते से समझ में आ रहा है लुक यानी देखना बैक यानी पीछे बीते हुए समय के बारे में सोचना नेक्स्ट है सेट असाइड सेट असाइड का मतलब होता है कैंसिल करना या फिर टू रिजेक्ट और डिस्कार्ड सेट असाइड का मतलब होता है कैंसिल करना टू रिजेक्ट और डिस्कार्ड या फिर रिजर्व करना इसके दो मतलब होते हैं या तो निरस्त कर देना या फिर बचत करना सेट असाइड इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारी पॉकेट मनी है उसमें से हमने कुछ पैसे साइड में रख दिए यानी हमने उसकी बचत कर ली कि आगे फ्यूचर में अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम उस टाइम पे उसको यूज लेंगे सेट असाइड यानी बचत करना नेक्स्ट है टॉक इन टू टॉक इन टू का मतलब होता है समबडी टू डू समथिंग यानी किसी को बाध्य करना